पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमूमन बहुत कम आपसे मिलना हो पाता है बाबूलाल जी, लेकिन अब चुनाव सर पे आ गया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोविंदपुरा सीट अब तक अटकी पड़ी है, लेकिन नहीं केवल गोविंदपुरा नहीं है, उत्तर भोपाल भी है। इंदौर की 10-12 सीटें हैं, उज्जैन की हैं, 53 सीटें अभी पेंडिंग है। एक दिन में, दो दिन में फैसला हो जाएगा, दिवाली से पहले पहले। समर्थकों में खासतौर से आपको लेके, कृष्णा जी को लेके आपको भी बहुत चिंता है? चिंता तो रहती है आदमी को, ये तो स्वाभाविक है। दर्शक जानना चाहते हैं लेकिन कि पूर्व मुख्यमंत्री, 10 बार से वहां से विधायक, इतने साल हो गए, इस बार चुनाव में उतरेंगे कि नहीं गोविंदपुरा से? अगर टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्दलीय भी नहीं? निर्दलीय भी नहीं, किसने कहा निर्दलीय? इस बार हम निर्दलीय रखने, अब क्या खाक मुसलमान होंगे? जिंदगी भर बताओ कि खिदमत की है। कृष्णा जी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, वो कृष्णा जी बताएंगे, वो कृष्णा जी बताएंगे। अगर गौर परिवार से नहीं मिलता है टिकट तो फिर आपको लगता है दोनों नहीं, फिर चुनाव दोनों नहीं लड़ेंगे? हमें इस पार्टी से 0 से मुख्यमंत्री तक का पद दिया है, 13 साल तक मंत्री रहा, 1.5 साल मुख्यमंत्री रहा और नेता प्रतिपक्ष रहा, तो मैं तो पार्टी का वफादार सैनिक हूँ। पार्टी अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और निर्दलीय का तो प्रश्न नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आपसे अच्छी बात हुई थी मंच पे, उनका आशीर्वाद है बाबूलाल गौर एक बार और, ठीक है? उन्होंने कहा था लेकिन आपसे कुछ उस दौरान? एक बार और बाबूलाल गौर आशीर्वाद, मुझे उनके आशीर्वाद का फायदा मिलेगा। उन्होंने तो कहा था एक बार और? हाँ, जो और मिलेगा ना, मिलेगा जरूर लड़ूंगा, ठीक है ना? और कृष्णा गौर भी हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा जी, आप हो गया हमको पार्टी पे, संगठन पर, मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से बहुत बेहतर फैसला होगा, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन कब होगा? अब तो 9 तारीख का नामांकन की अंतिम तारीख भी पास आ रही। कृष्णा जी, आज 5 तारीख को इंतजार करिए, 53 शेष सीटों का फैसला होने वाला है, उसमें गोविंदपुरा भी शामिल होगी। तो ये थी कृष्णा गौर, भोपाल की पूर्व महापौर, पुत्रवधु हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की, और एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से और साथी में उनकी बहू कृष्णा गौर से, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर पार्टी की तरफ से उन्हें मौका दिया जाएगा तो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर। कैमरामैन राहुल सेचकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।